बूंदे लो के हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी। 1857 में जब पहला स्वातंत्र समर हुआ, रानी झांसी को आपने सब आप सब जानते हैं। चलो शुरुआत करते हैं महिला समानता से। शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको शुक्रिया करना चाहूँगी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आप सभी को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस दिन मुझे पहला कॉल आया कि आपको टेडेक्स के लिए आना है एज ए स्पीकर, मेरे सामने पहले एक सवाल था, टॉपिक क्या होगा? हाँ तो बोल दिया, क्या बात करनी है? ऑर्गेनाइजर्स से मैंने पूछा मुझे क्या बात करनी है, टॉपिक मिला वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं बहुत गरीब घर की एक छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाली लड़की जो सिर्फ सपने देखती थी, आज आप सबके सामने इस बड़े मंच पे खड़ी हूं। एक साधारण स्कूल से पढ़ी मराठी मीडियम की स्टूडेंट, टूटी फूटी इंग्लिश आने वाली, इतने बड़े मंच पे आके आपको मोटिवेट करना है। सवाल ये है कि मोटिवेशन क्या देना है। जर्नी काफी डिफिकल्ट थी, बट आज की तारीख में ऐसे काफी लोग हैं जिनके लिए आसान नहीं है सरवाइव करना। मेरे जैसे काफी लड़कियां हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं, शायद उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। मेरा बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजरा, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते थे, खाने के लिए हमारे पास फूड नहीं है, एक छोटा सा मिट्टी का मकान जहाँ बारिश में छुपने के लिए, एक छोटा सा मिट्टी का मकान जहाँ पर बारिश से बचने के लिए जगह नहीं थी, वहीं मैं इस पूरी दुनिया में अपने एक छोटी सी जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या करना है। मेरी माँ लोगों के घर पे बर्तन मांजती थी, मेरे बाबा स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे, हम तीन बहनें जहाँ खाने को नहीं मिलता है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मेरे माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया, मेरी माँ ने लोगों के कपड़े धोए, बर्तन मांजे, साथ में टिफिन्स बनाए। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपने घर के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ। क्या करती थी, छोटी थी, काम क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब ब्लैंक था। आपने वो एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, मुझे बनना है, सवरना है, आसमान को छूना है, आई कैन। हाँ मुझे कुछ बनना था, मैं सपने देखती थी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, उस उम्र में 8th स्टैंडर्ड में मैंने अपनी पहली जॉब पकड़ी। 8th स्टैंडर्ड में सबसे पहले मैं एसटीडी बूथ में बैठती थी, घर में माँ के साथ रोटियाँ बनाती थी, अधिकारियों को ले जाके टिफिन ले जाके देती थी, माँ के साथ कहीं काम करने जाती थी, स्कूल टाइम ख़त्म होने के बाद घर आने के बाद मम्मी को पापा को जितना हाथ बटा सकती थी उतना करती थी। हाँ मुझे एसटीडी बूथ से पैसे मिलते थे, हाँ मुझे वो फर्स्ट सैलरी मिली थी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, पर क्या वो मेरी उम्र थी? उस उम्र में जब मैं हाईवे पे बैठती थी, मैंने ऐसे काफ़ी भेड़ियों के, काफ़ी लोगों की, काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स की नज़रों का सामना किया, जिस उम्र में मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने हार नहीं मानी, मैं मजबूर थी, मुझे अपना घर चलाना था, अपना पेट पालना था और अपने आप को आगे बढ़ाना था।
जर्नी स्टार्ट हुई। ते म्हणतात ना, क्षितिज आपल्या मनात असतं, स्वप्नांना अंत नसतो। ऊन सावल्यांच्या आशा सावल्यांच्या खेळांच्या आशा निराशेच्या क्षणांच्या पलीकडे आपल्याला जायचं असतं। सूर्य बुडतो तो नव्याने उगवण्यासाठी, तसंच काहीसं होतं। माझ्यासोबत खूप काही घडलं, ते इतक्या थोड्या वेळामध्ये सांगणं मला फार कठीण होईल, पण हो, मी तुमच्यासोबत एक छोटासा माझा लाईफचा एक छोटासा पार्ट शेअर करू इच्छिते। मेरी लाईफ में मैंने कैसे कैसे करके ट्वेल्थ पास किया, क्योंकि पढ़ाई के लिए वो सब जो किताबें जो चीज़ें आपको अवेलेबल होती है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी। दूसरों के पास से किताब लेके आऊँगी तब मैं पढ़ूँगी, किसी और की मिली हुई बुक अगर मैं मुझे मिलेगी तो मैं उस पर लिखूँगी। मेरे पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, ख़रीदने के पैसे नहीं है। ट्वेल्थ तो पास कर लिया, बट आगे का क्या? इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती थी, पैसे नहीं थे। एडमिशन की फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे। इंटीरियर्स के लिए जब मैंने एडमिशन लेना चाहा थाने में, शुरुआत हुई कि मुझे थाने आना है वाड़ा जैसे प्लेस से, जहाँ पे मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ, जहाँ से मुझे यहाँ पे आना है, तो मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूँगी? मुझे मेरे पास क्या है? ना सपोर्ट है ना कुछ है। हार नहीं मानी, मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। थाने आ गई, जहाँ मिला वहाँ काम किया। रोड पे खड़े होके पैम्पलेट्स बेचे, मिट्टी के बर्तन बनाए वो बेचे। उसी में अपना कॉलेज कंप्लीट करने की कोशिश की। ड्राइंग अच्छा था, स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को जमा करके मैंने अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग का एक क्लासेस स्टार्ट किया कॉलेज के अलावा। एजुकेशन करती रही, साइड बाय साइड जॉब्स करती रही। कम्युनिकेशन सुधारना था, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैं सादे गांव से आई हुई लड़की अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती हूँ, आज भी नहीं बोल सकती। कम्युनिकेशन के लिए कॉल सेंटर्स में जॉब किए, थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलप करने की कोशिश की। वहाँ तक आई, अब सोचा यहाँ सब स्टॉप नहीं हुआ है, अब कुछ करना है। काफ़ी डिफ़िकल्ट था एक लड़की को ट्रांसपोर्टेशन चलाना। मुझे वो अपॉर्चुनिटी जैसे मेरे सामने आई, मैंने उसे ग्रैब किया। काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें सुनाई, काफ़ी गलत बातें बोली। जब भी आप कुछ अलग वे में जाना चाहते हो तब आपको लोग रोकते हैं। क्यों? आप अलग कुछ करना चाहते हो तब आपको लोग आके बोलेंगे कि आप ये मत करो, ये आपका काम नहीं है, लड़कों का काम है, लड़कियाँ नहीं करती है। ट्रांसपोर्टेशन कौन सी लड़की चलाती है? ट्रक ड्राइवर से डील करना होता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। समटाइम्स पता नहीं आप पे रेप हो जाए, आप रात को 2 बजे निकल जाते हो, आपको कहीं पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, आपके साथ कुछ हो गया। ये लड़की का काम नहीं है, लड़कों का काम है, लड़कों को करने दो। मेरे साथ भी यही हुआ। काफ़ी कोशिश हुई मुझे रोकने की, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बोली गई, नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं रुकी नहीं, मैंने अपना जर्नी चालू रखा। मैंने ट्रांसपोर्टेशन सीखा, उसे चलाया। आज मेरे पास 50 ट्रक है। मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की ओनर हूँ। मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है, साइड बाय साइड मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिज़नेस है, और मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। हम क्यों हर बार ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते? आज मेरे पास कुछ ना होते हुए अगर मैं इतने बड़े सपने देख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं नहीं जानती मैं यहाँ आके कुछ बोल पा रही हूँ या नहीं। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहा वो मैंने अचीव किया। आज की डेट में ये जो 4 कंपनियाँ चला रही हूँ, इसमें मेरा पूरा वक्त निकल जाता है। जैसे आपके पास दिन के जितने मिनट्स होते हैं, जितने हास होते हैं, जितना वक्त होता है, उतना ही वक्त मेरे पास है। लोग मुझे कहते हैं तू ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, किसी एक पे टिकी रहे। क्यों? मुझे ऑलराउंडर बनना है, मुझे सब कुछ सीखना है, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि लड़कियां किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। हमारे देश के पहली महिला पंत प्रधान इंदिरा गांधी जी, कल्पना चावला बनकर जिन्होंने अंतरिक्ष को छुआ है, वो भी एक महिला थी। किरण बेदी, फर्स्ट IPS ऑफिसर,
वो भी एक महिला है। आज 3 महिला फाइटर्स इस साल, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, वो भी सब महिलाएं हैं। क्यों हम स्त्रियों को डीमोटिवेट करते हैं? क्यों हम उन्हें इक्वल नहीं समझते हैं? अगर मेरी माँ ने उस वक्त काम ना किया होता, शायद मैं आज आप सबके सामने खड़ी ना हो पाती। अगर मैंने उस वक्त उस स्टेप को अहेड ना किया होता जो मैं करना चाहती थी, शायद मैं आपके सामने बात ना कर पाती थी। अपने कर्तव्यों को निभाते निभाते हर महिला ने अपना एक मुकाम हासिल किया है। उसके लिए उसके पास ना कोई शिकायत है, ना कोई थकान है। यही तो एक नारी की पहचान है। जय हिंद। थैंक यू।